नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्बल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जब लाइव आया था तो मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो कम्युनिटी टैब में मैं कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछता हूं आप सबसे, जो पोल है उसके थ्रू पेड़ पौधों से रिलेटेड, और आप सब उसमें जो है वोट करके अपना आंसर देते हैं। तो आज जो है हम वो कम्युनिटी टैब पे जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे थे वो क्या क्वेश्चन थे और उसके क्या क्या आंसर मिले थे, किसने जो है वोट किसको दिया और उसका क्या आंसर था, तो कम्युनिटी टैब पे जितने भी क्वेश्चन थे उसका यहाँ पे आज हम आंसर जानेंगे। तो कम्युनिटी टैब से जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे वो मैंने उठाए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन मैंने पोल के थ्रू पूछा था, वो था सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, और इसमें मैंने ऑप्शन दिए थे नीम, पीपल, बरगद, जामुन या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने ऑप्शन दिए थे जिनमें से एक आपको सेलेक्ट करना था। तो इसमें जो है आप सब में से जो 6% लोगों ने कहा था कि नीम होता है जो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और 5% ने कहा था बरगद होता है, 1% ने जामुन कहा था, और 1% ने कहा था कि इनमें से कोई नहीं, जबकि 87% लोगों ने कहा था पीपल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही है, पीपल का पेड़ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, यानी कि 2400 घंटे आपको ऑक्सीजन मिलती है पीपल से। अगला जो सवाल था हमारा वो ये था कीड़ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसमें हमने ऑप्शन दिए थे पाइन, जूनिपर या बोथ, यानी कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 1000 लोगों ने वोट किया था, जिनमें से 2% लोगों ने कहा था कि इनमें से कोई पेड़ नहीं है, और 4% लोगों ने कहा था कि ये दोनों ही जो है इनको चीड़ कहा जाता है, 7% लोगों ने कहा था जूनिपर, लेकिन 86% लोगों ने कहा था पाइन। तो दोस्तों, इसका भी आंसर जो है ये राइट है, पाइन। पाइन जो है इसे ही जो है चीड़ के नाम से जाना जाता है हिंदी में। अगला सवाल जो है बहुत ही आसान था, जूही की जो बेल होती है उसमें किस कलर के फूल आते हैं। इसमें हमने ऑप्शन दिए थे पीला, लाल, नीला और सफ़ेद। तो इसमें देखिए 1600 लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 2% लोगों ने कहा था पीला रंग, 2% ने कहा था लाल रंग का फूल आता है, और 6% लोगों ने कहा था नीले रंग का, और 90% लोगों ने कहा था सफ़ेद रंग का। तो जूही के अंदर जो है सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, मेरे पास भी बेल है जूही की। अगला जो सवाल है वो है नीम का पेड़ कितने घंटे ऑक्सीजन देता है। इसमें भी हमने जो है 3 ऑप्शन दिए थे, और इसमें जो है वोट 2400 लोगों ने किया था, काफ़ी लोगों ने वोट किया था, और इसके अंदर जो है ऑप्शन जो 3 थे हमारे वो ये थे 12 घंटे, 24 घंटे, 18 से 20 घंटे। तो इसमें जो है 13% लोगों ने कहा 12 घंटे, 6% लोगों ने कहा था 8 से 20 घंटे, और 80% लोगों ने कहा था 24 घंटे। नीम का जो पेड़ है वो 24 घंटे तो ऑक्सीजन नहीं देता, 18 से 20 घंटे के अंदर ऑक्सीजन देता है। अगला सवाल हमारा ये था, ऐसी कौन सी बेल है जिसकी जड़ नहीं होती। तो इसमें हमने जो है 3 ऑप्शन दिए थे, गिलोय बेल, अमर बेल और बुगन बेल। इसमें भी 2300 लोगों ने जो है वोट किया था, जिसमें से 6% लोगों ने कहा था गिलोय की बेल, 4% लोगों ने कहा था बुगन बेल, और 91% लोगों ने कहा था अमर बेल। तो इसका सही आंसर जो है अमर बेल ही है। अमर बेल एक पीले रंग की जो है बेल होती है। बेल क्या होती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपने सेवियाँ खाई होगी उस तरह से होती है, पीले पीले रंग की, और ये किसी पेड़ पे आपने देखी होगी या खेतों के चारों तरफ जो बाढ़ होती है वहाँ पे देखी होगी। अगला जो सवाल है वो ये था कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, इसके लिए भी हमने जो है 4 ऑप्शन दिए थे, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया था, 2600 लोगों ने वोट किया था। तो इसका जो ऑप्शन था वो ये था गुलाब, गेंदा, कमल या इनमें से कोई नहीं। तो 4% लोगों ने कहा था गुलाब है, 1% लोगों ने गेंदे को वोट किया था, और इनमें से कोई नहीं इसको भी 1% वोट किया था, लेकिन 94% वोट जो है वो कमल को मिले थे, और ये सही है कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल ही है। अगला जो सवाल है वो ये था, कौन सा पेड़ अपने तने में 1000 से लेकर 120,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। तो इसमें भी हमने जो है 3 ऑप्शन दिए थे, एक अंजीर, दूसरा बोआ ट्री, तीसरा बरगद का ट्री। अब इसमें जो है 2100 लोगों ने वोट किया था, और इसमें जो है अंजीर जो है उसको 3% लोगों ने वोट किया था, बोआब को जो है 11% लोगों ने वोट किया था, और बरगद जो है उसको 86% लोगों ने वोट किया था। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बरगद नहीं है, इसका सही आंसर है बोआब ट्री। बोआब ट्री जो है उसका जो तना है वो काफ़ी चौड़ा होता है, तो उसमें वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, और वो ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है। हमारा जो लास्ट सवाल है वो ये था कि अंजीर का दूसरा नाम क्या है, या अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसमें भी हमने जो है 3 ऑप्शन दिए थे, प्लम,
पीच और फिग, तो इसमें भी 2100 वोट मिले थे, जिसमें 4% जो है प्लम को मिले थे, तो इसमें 4% जो है प्लम को मिले थे, पीच को जो है 6% मिले थे और फिग को जो है 90% मिले थे। तो इसमें भी जो इसका सही आंसर वो फिग है, यानी कि फिग इंग्लिश में फिग कहते हैं, हिंदी में हम इसको अंजीर कहते हैं। ये लगभग जो है गुल्लर के जैसे ही होती है, आपने गुल्लर देखा हो, देसी गुल्लर के जैसे इसका फ्रूट होता है। तो दोस्तों ये कुछ जो है हमने पोल के थ्रू क्वेश्चन पूछे थे हमारे कम्युनिटी टैब पे, ताकि हम सबकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके। आप में से किन किन ने जो है इन कम्युनिटी टैब पे जो है वोट किया था और आपका वोट सही निकला या गलत निकला वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।